क्या आवासीय प्रशिक्षण शिविरों की उपयोगिता है, सवाल हमने आपसे किया और जवाब भी आपका मिला। जवाब के मुताबिक 30% मानते हैं कि जी हां उपयोगी है, लेकिन आवासीय होने के सवाल पर 70% इससे नाइत्तेफाकियां रखने लगे हैं। ऐसे हालात में आगे क्या बेहतर तरीका हो सकता है? मंत्री जी ने काफी कुछ रियायतें दे दी हैं, तो फिर सबको क्या हासिल होगा? जबर सिंह जी, मंत्री जी जब बोलने लगे तो उनका कहना था कि जिनके बच्चे हैं उनको छूट मिलेगी, जो असाध्य रोगों से पीड़ित है उनको छूट मिल जाएगी, जो दूरी से आए उनको छूट मिल जाएगी, जहां सुविधाएं नहीं है वहां पर छूट मिल जाएगी। मतलब आधे से ज्यादा शिक्षक तो बाहर हो गए, फिर इसकी उपयोगिता प्रासंगिकता आवासीय के हिसाब से कितनी रह जाएगी? मंत्री जी ने जो कहा है, 5 पॉइंट्स हैं जो उन आदेशों में दिए गए हैं, वो तो पहले से ही उसमें उल्लेखित है 5 पॉइंट। मंत्री जी ने नई बात नहीं बोली है, ये 5 पॉइंट तो विरोध होने से पहले ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किए हुए हैं जी। लेकिन उसके बाद बाकी जो टीचर है, ऐसे लोग तो ऐसे अध्यापक बहुत कम है उसमें, लेकिन बाकी जो अध्यापक हैं उनके लेकर के जो प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में बात है। उसके बारे में मंत्री जी साइलेंट ही रहे और उन्होंने इसी बात को ज़्यादा स्ट्रेस किया कि जो नीति हमने बनाई है वो ठीक है, लेकिन एक बात उन्होंने पॉजिटिव कही, कंक्लूड आपसे करूंगा, हम इसमें जो एक दो दिन में जो हमें कुछ इसमें विषमताएं दिखी उसमें हम सुधार कर लेंगे जी। ये इसके लिए मैं मंत्री जी तारीफ जरूर करना चाहूंगा जी, कि उनमें सुधारवादी दृष्टिकोण है, अगर सुधार कर लेते हैं तो इनकी जो प्रशिक्षण की जो उपयोगिता वो एक सार्थक रूप में चरितार्थ हो सके। आरसी चौधरी साहब, क्या और मुद्दा होना चाहिए था जो कि मंत्री जी मानने से इनकार कर गए? मुद्दा तो मंत्री जी का ये अपने आप में ये लगती है कि सरकार की कोई तैयारी नहीं थी, सरकार जिस हिसाब से जो जाना चाहिए था उनका अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे, अधिकारियों पे क्या कार्रवाई करेंगे? जब आप जिस जगह पे जा रहे हो अगर उसकी सरकार की तैयारी होने के बिना आप अगर किसी नवाचार के लिए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से नवाचार सिर्फ आपके मन में है। आप अपने जब परिवार के लोगों से 3 लाख जो शिक्षक हैं उनको बहुत से शिक्षक संघ हैं उनके साथ में बैठ के जब ये नहीं होता है तो फिर बहुत ही दुखद होता है। माननीय मंत्री जी ने जिस प्रकार से बायोमेट्रिक मशीन की उपयोगिता पे नहीं बोल पाए क्योंकि उनके पास में रात्रि विश्राम का जो बात है उसके पास में उनके जवाब नहीं था। चलिए रामकृष्ण जी, ये सवाल है क्या बायोमेट्रिक मशीन हो? मैं आऊंगा, कंक्लूड आप ही से करूंगा, सबके सवालों का जवाब एक साथ लूंगा। निमिषा जी, इतना सब्र रखा है, थोड़ा सा रख लीजिए। रामकृष्ण जी, जानना चाह रहा हूँ ऐसे में अब शिक्षक समाज क्या अपेक्षा कर रहा है सरकार से? अभी शिक्षक समाज सरकार की हटदर्मिता पर आश्चर्य व्यक्त कर रहा है, कारण अब ये जो बात मैंने पहले कही थी, आवासीय आवश्यकता ही नहीं है, उपयोगिता भी नहीं है। स्वयं मंत्री जी ने जब 3 साल के बच्चे उनको छूट है, असाध्य रोग वाले छूट है, बाकी जो बच्चे हैं तो उनके जो शिविर कैसे पूर्ण हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। मंत्री जी को हमने कहा, आपका ही कथन था बायोमेट्रिक, उसका जवाब नहीं दे। मंत्री जी तो संगठन के बारे में, उसके सदस्यता के बारे में ज्यादा बातें करें, हम तो मंत्री जी निवेदन करें, अभी भी समय है सबसे मिलकर। मंत्री जी को क्या लगा, निमिषा जी क्या लगा मंत्री जी को, कहीं जवाब देने में असहजता है? स्वीकार किया कि शैक्षिक संगठन हो सकता है आपके आपसे आपकी बात नहीं, बाकी पदाधिकारियों से बात करके, प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा करके, चर्चा के बाद सामूहिक निर्णय प्रक्रिया भाजपा का अभिन्न हिस्सा है। और आज जो व्यवस्थाओं से जूझा, आज मुद्दे पर आइए, पार्टी एजेंडे पर आइए, आरसी चौधरी साहब प्लीज, मुद्दे पर आइए, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत फैसला क्यों बदला? एक सवाल है, फैसला क्यों बदलना पड़ा मंत्री जी को, फैसला क्यों बदलना पड़ा? आप सुनेंगे चौधरी जी, जी निमिषा जी आप बताएंगे मंत्री जी को फैसला। आरसी चौधरी साहब, सवाल हो गया। हाँ, भाजपा की प्रवृत्ति थोपी हुई कभी नहीं रहती है, निर्णय समाज हित में, लोकतंत्र हित में, उन प्रदेश के विद्यार्थियों के हित में। चलिए, और व्यवस्थाओं का क्लोज करें, उससे पहले एक सवाल है रामकृष्ण जी, जी व्यवस्थाओं में यदि एक सवाल पूछ रहे हैं निमिषा जी, एक सवाल पूछ रहे हैं। देखिए आप अश्विनी जी, एक बात मैं कहती हूँ कि इनकी जो, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं। आज जो देखिए आपने जिस तरह से आपने आपके सुझावों को, जब मैं जब्बर सिंह जी को सुन रही थी तो जैसे उन्हें सुझाव दिए, सुझावों को सहज स्वीकार किया है, आइए सहभागी होइए हमारे साथ, प्रलाप मत कीजिए क्योंकि इसके पीछे उद्देश्य बहुत अच्छा है, उस उद्देश्य के साथ निहित होइए, विकास के साथ राजनीति ना करें, ना कीजिए निमिषा जी, आप कहिए कि हमारे आदेशों की पालना कीजिए। क्यों कंक्लूड कर रहे हैं, क्यों इसमें आरोपों बहस में उलझ रहे? रामकृष्ण जी, सवाल क्या है? उद्देश्य रहा नहीं है, सिर्फ मुद्दा हीन हो चुकी है। मैं निमिषा जी बोलने का मौका नहीं दूंगा, मेरा सवाल ये है, बात नहीं प्लीज। हाँ बताएं, शिक्षा विभाग की जो क्या योजना है, माननीय मुख्यमंत्री ने खुद पोल खोल दी इनकी,
आदर्श स्कूल स्थापित कर दिया माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय शिक्षा सचिव, जहाँ न शौचालय है, न बिजली है, न पानी है, न हैंडपम्प है, वह आदर्श स्कूल खोल दिए, उत्कृष्ट स्कूल खोल दिए। ये हमारा आरोप नहीं है, सवाल है, ये वाजिब सवाल है। चलिए सरकार तक आंकड़ा पहुंचाएं, ठीक है, हो गया सवाल, हो गया 30 सेकंड है। तथ्यों और प्रमाणों के साथ हम बैठेंगे। अफवाह स्वरूप किसी बात को हम पूरे प्रदेश को अलाप नहीं कर सकते, क्योंकि जब आज भौगोलिक सत्यापन के साथ पारदर्शिता और जवाबदेहिता प्रशासन दे रहा है, तो हम अनावश्यक प्रलाप नहीं कर सकते। स्वच्छ अभियान भारत का है, भाजपा का है, तो और कोई ऐसी अव्यवस्था मुद्दे पर नहीं आए। खैर, मंत्री जी से बात हुई और जो कुछ मंत्री जी ने कहा, उम्मीद है कि उसके तहत जो शिक्षक आवासीय प्रशिक्षण शिविर है, हालात बेहतर होंगे और मकसद भी जल्द हल होगा, यही उम्मीद करते हैं। बहरहाल सभी आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देवनानी जी का शुक्रिया और इस डिबेट में इतना ही। सभी का शुक्रिया अदा करते हुए यही उम्मीद करेंगे कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित होगा।